Hi everyone, welcome to my channel Civil's Point. This video is about social religious reform movement part 4. इससे पहले हम जो इसके पहले पार्ट पूरे तीन पार्ट्स हैं उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो आज के जो हमारा इस वीडियो है इसमें हम कौन कौन से जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. वो है द फर्स्ट वन इज़ सेवा सदन, सेकेंड वन इज़ देश समाज, थर्ड वन इज़ अहमदिया मूवमेंट, फोर्थ वन इज़ रामकृष्ण मूवमेंट एंड फिफ्थ वन इज़ भारत धर्म महामंडला. ओके, तो ये जो पांच सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. और ये इस वीडियो के साथ ही हमारे जो जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो कवर हो जाएंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ सेवा सदन. ओके, तो जो जितने भी हम मूवमेंट्स और सोसाइटीज़ इस आज के लेक्चर में इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम तीन फैक्टर्स पे फोकस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ हम देखेंगे कि मूवमेंट और जो सोसाइटीज़ हैं उनके फाउंडर कौन रहे थे. ओके, उनको फाउंड किस ईयर में किया गया था. ओके, एंड द थर्ड थिंग इज़ उनका जो मूवमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. तो आपको ये समझना है पहले कि जितनी भी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं उनमें ये जो तीन हैं, ये जो मैंने पिलर्स अभी बताए थे, इन पिलर ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, तो क्या है, फर्स्ट वन इज़ फाउंडर, और इसको फाउंड कब किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. तो ये एक सोल होते हैं हमारे जितने भी मूवमेंट्स चलती हैं उनके. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा सेवा सदन है इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं बहराम जी एम मलबारी. ओके, और इसको फाउंड किया गया था 1908 में. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो सेवा सदन है ये चाइल्ड मैरिज को अपोज करता था. ओके, और ये जो विडो री मैरिज है हिंदूज़ में चलती थी उस टाइम पे, उसको सपोर्ट करते थे, और चाइल्ड मैरिज थी उसको क्या थे, उसको अपोज करते थे. ओके, एंड उनके ही जो हमारे ये फाउंडर हैं बहराम जी के एफर्ट्स से, इस पूरे सेवा सदन के एफर्ट्स से, जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है 1908 के टाइम पे, उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट. ओके, ये किस लिए पास किया गया, कि ताकि जो एज ऑफ कंसेंट है फीमेल्स का मैरिजेस के लिए उसको रेगुलेट किया जाए. ओके, तो ये इनका बोल सकते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट बाहर आता है इस पूरी जो सदन है उसका. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास देव समाज. देव समाज है, इसको फाउंड किया गया था 1887 में लाहौर में. ओके, इसके फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री. ओके, तो ये हमने देखा फाउंड कब किया गया और फाउंडर कौन थे. आगे हम देखेंगे ये क्यों बनाई गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. तो ये जो पूरा समाज है देव समाज, ये एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है. ओके, एंड अदर थिंग इज़ इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इन्होंने अपने जो जितने भी फॉलोअर्स थे देव समाज के, उनको बताया कि आपको एक आइडियल सोशल बिहेवियर जो है उसको फॉलो करना चाहिए. ओके, तो इनका आइडियल सोशल बिहेवियर क्या था, इन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें बताई, तो वो इस प्रकार से हैं कि इन्होंने कहा कि आपको जो है ब्राइब्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको सोसाइटी में करप्शन नहीं करना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज़ आपको जो इनटॉक्सिकेंट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और आपको जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. और द लास्ट थिंग इज़ कि आपको जो वॉयलेंट एक्शन है उससे दूर रहना है, और उसको प्रैक्टिस सोसाइटी में नहीं करना है. तो ये था इनका आइडियल सोशल बिहेवियर. ओके, एंड इस समाज के जितने भी टीचिंग्स हैं उनको एक बुक में कंपाइल किया गया है जिसका नाम है देव शास्त्र. ओके, तो आप इस बुक को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं एग्ज़ाम में. सो द नेक्स्ट वन इज़ अहमदिया मूवमेंट. अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इसके फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, एंड इसको फाउंड किया गया था 1889 में. तो इस जो अहमदिया मूवमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि वेस्टर्न लिबरल जो हमारी एजुकेशन है उसको जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं उसमें स्प्रेड किया जा सके. सो देखिए ये एक बहुत ही यूनिक स्टेप था
पहली बार किसी मूवमेंट के द्वारा वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, तो इससे आप याद रखिएगा, ये बहुत एक मेन और एक यूनिक पॉइंट है इस मूवमेंट का। एंड आगे ये जो अहमदिया मूवमेंट है इसमें किससे रिलेट करती है, ये एक इस्लामिक सेक्ट है हमारा, अहमदिया कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था कि जो इस मूवमेंट के फाउंडर हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद, वो एक मसीहा हैं, वो इस जो हमारी धरती है उस पे आए हैं किस लिए, हमारे जो रिलीजियस वॉर हैं, जो ब्लड शेड होता है उसको ख़त्म करने के लिए और पूरी धरती के लिए, पूरे वर्ल्ड के में वो पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जस्टिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस कम्युनिटी का ये मानना था, वो इस जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं इनको मसीहा मानते थे। एंड अदर थिंग इज़, ये जो मूवमेंट है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाई गई थी अहमदिया मूवमेंट, ये जिहाद को अपोज़ करती थी। ओके, जिहाद का मतलब होता है कि एक सेक्रेट वॉर होगा जो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट होगा। ओके, सो आगे है हमारे पास रामकृष्ण मूवमेंट, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, ये अभी भी प्रेजेंट है हमारे, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये अभी भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। सो इसको स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, कब किया गया था, 1897 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे बेलूर कैलकटा में। और इसको एक्चुअल में रामकृष्ण नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम से उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। उन्होंने जो उनकी टीचिंग्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए इस जो मूवमेंट है उसको उनकी डेथ के बाद स्टार्ट किया था। सो वो इस मूवमेंट के ज़रिए करना क्या चाहते थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट ही सॉट टू रिवाइव हिंदुइज़म बेस्ड ऑन एंशंट इंडियाज़ रिलीजियस टेक्स्ट एंड कंसेप्ट ऑफ वेदांतास। सो ही वॉन्ट कि हमारा जो हिंदू कल्चर है, हिंदुइज़म है, उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है। किसकी हेल्प से, जो हमारे एशियन टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे वेद, ऋग्वेद लिखे गए हैं, उसमें से हम अच्छी चीज़ें ले सकें और हमारा आज का जो कल्चर है उसको हम रिवाइव कर सकें। ओके, और आगे अनदर थिंग एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट, दैट इज़ ही इज़ अगेंस्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शंस। सो देखिए, आपको पता है कि हमारे जो हमारा पूरा कास्ट सिस्टम है उसमें चार तरह के जो वर्ण हैं उनका वर्णन है, हमारे जो जितने भी आते हैं। ओके, चतुर्वर्ण उसको बोला जाता है, और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके डिविजन्स की गई हैं जो कास्ट सिस्टम है उसकी। ओके, तो इसमें होता क्या है, कोई भी जो छोटी कास्ट का और नीची कास्ट का जो पर्सन है वो ऊपर कास्ट में नहीं जा सकता, और ये वाला यहाँ नहीं जा सकता। ओके, तो इनको अपनी ही जो कास्ट है उसकी बाउंड्रीज में ही रिसाइड करना पड़ता है ऑल ओवर द लाइफ। ओके, ये एक दूसरे में नहीं घुल मिल सकते हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कास्ट में लगाई जाती हैं बाउंड्रीज बनाकर। ओके, तो ये जितनी भी जो हमने कास्ट रिस्ट्रिक्शन देखी इसके अगेंस्ट थे, और ऑपरेशन के अगेंस्ट थे, ऑप्रेस किया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा जो छोटी कास्ट के लोग हैं, आज भी लोग जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको ऑप्रेस किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट थी ये मूवमेंट। एंड अदर थिंग इज़, जो सुपरस्टिशन जो है हिंदुइज़्म में था उसको भी इन्होंने उसके अगेंस्ट थे। ओके, एंड द अदर थिंग इज़, इन्होंने अपनी मूवमेंट के ज़रिए जो वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। सो इस नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडला। सो ये जो हमारी मंडला है सोसाइटी की तरह, उसको फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये जो तीन लोग हैं इन्होंने इस जो महामंडला है इसकी स्थापना की थी। तो ये एक ओनली हमें पूरी जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनमें एक अलग सा ही एक यूनिक एग्जांपल मिलेगा, जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म के डिफेंस में आया था। ओके, सो ये बहुत ही जो हिंदुइज़्म में ऑर्थोडॉक्सी फैली हुई थी उसके उसको पूरी तरह से समर्थन करते थे। और ये जो आर्य समाज और थियोसोफिस्ट और रामकृष्ण मिशन की जो टीचिंग्स हैं उनको ये बिल्कुल ही अपोज़ करते थे, और इन्होंने
इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी, इन्होंने ये चाहते थे कि जितना भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इनका पूरा मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो सके, ताकि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके सोसाइटी में। और ये चाहते थे कि जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, अभी क्या है सेकुलर काइंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, बट दे वॉन्ट कि हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए जहाँ पे एजुकेशन भी एक रिलीजन के अकॉर्डिंग ही हो। ओके सो इस तरह की ऑर्थोडॉक्सी को ये प्रमोट करते थे। सो इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल में और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। ओके थैंक यू।